दादी से हुई अरमान और अबीरा की शादी के खिलाफ। कृष्ण ने लिया अरमान और अबीरा के लिए स्टैंड। स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि एक तरफ माधव अबीरा को समझाता है कि कैसे अरमान ने हर जगह उसका साथ छोड़ दिया। अरमान हमेशा अपने परिवार को चूज करता है। माधव चाहता है कि अरमान के अंदर इतनी क्षमता आए कि वो हर जगह अबीरा को चूज करे। अगर अरमान ऐसा कर पाएगा तो माधव को अरमान से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अरमान अबीरा के पास आएगा और माधव की बातों की वजह से अबीरा अरमान को ठुकरा देगी। अरमान कोशिश कर रहा है कि वो अबीरा को मना ले। वही दूसरी तरफ दादी सा को पता है कि अरमान मसूरी गया है, अबीरा को ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहती है कि वो दोबारा कभी भी अबीरा को इस घर में वापस नहीं आने देगी। अब सबसे पहले यहाँ पर मनीषा कहती है कि अरमान मसूरी वापस जाएगा, वहाँ अबीरा को प्रपोज करेगा, अबीरा भी उसे आई लव यू बोलेगी, तो इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करेंगे। मनीषा दादीशा की वजह से डर जाती है और वो अपनी बात पूरी नहीं करती है। अब यहाँ पर क्रिश सामने आता है और क्रिश कहता है कि वो दोनों शादीशुदा कपल थे और एक बार फिर से वो दोनों शादी ही करेंगे। साथ ही क्रिश कहता है कि इस बार दादीशा उन्हें नहीं रोक पाएगी। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या सच में एक बार फिर से दादीशा रोक देगी अरमान और अबीरा की शादी। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।